तो रास्ता अभी देखिए ऐसे घूमते हुए इस तरफ जा रही है। तो कितना करके लेते हैं भैया? 12,000-10,000। अच्छा 8,000-9,000। ठीक है, चलिए बाबा, हर हर महादेव। तो पिछले ब्लॉग में हम लोग जो है 3 किलोमीटर तक का चढ़ाई चढ़ लिए थे और अब उसके आगे के चढ़ाई के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं और इस ब्लॉग में आगे का चढ़ाई आपको देखने को मिलेगा। और तब तक देखिए मेरा एक साथी भी आ चुका है और ये भी पसीने से लथपथ है। ठंडा ठंडा हवा तो आ रहा है लेकिन भाई अंदर से पसीना ही चल रहा है। तो अब यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और धनंजय, रोड के मामले में बोला जाए तो बहुत कचरा रोड है, गोबर का गोबर ये मिलता है खाली वो जो, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आए कि गोबर में पिस लेना। और घोड़ा सब जो जाता है वो गंदगी करते हुए जाता है पूरे रास्ते में, सब समय जो घोड़ा चलते रहता है जिस कारण से गंदगी होता है, सफाई भी होता है लेकिन ये जो पत्थर का गैप है इसमें रह ही जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे और धनंजय हम लोगों से 4-5 कदम अभी आगे है। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वैसे देखिए फिर आपको पानी का भी ये दिख गया, पानी प्यास लगे तो पानी पी लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, ठंडा ठंडा पानी मिलने वाला है। तो अभी बहुत ज्यादा रास्ता बाकी है, सबसे अच्छा ये दृश्य लगता है पहाड़ वाला, बहुत ही सुंदर नजारा। तो ऐसे ही जगह पर विराजमान करते हैं हमारे भोलेनाथ। बड़ा कठिन, हाँ बहुत ही कठिन चढ़ाई में चढ़ रहे हैं हम लोग, स्वर्ग की रास्ता बहुत ही कठिन। हाँ तो आगे बाबा का जो दर्शन कराएंगे तो वो स्वर्ग से कम नहीं है, वो जगह वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर घोड़ों सबसे डर लगता है क्योंकि पैर स्लिप कर जाता है, उस दौरान धक्का लग जाने का डर बना रहता है, इसलिए हम लोग साइड साइड में ही चल रहे हैं। हर हर महादेव। तो अब जो है हमारे छोटे भाई लालू जी थक गए इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा बैठेंगे और पानी पियेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो सबके पीठ में एक एक बैग है, बैग लेके ये लोग नहीं चढ़ना चाह रहा था, मैं बोला सबसे भारी बैग मुझको दे दे यार, फिर भी बोल रहा है इसी का भारी है। चलो अच्छा तेरा ही भारी रहने दो, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर बैठे हुए आगे धनंजय और लालू बैठा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे तरफ। और दो जन हम लोग के साथ आ रहे हैं तो वो लोग नीचे रह गए, तब तक आ जाते हैं तो और भी अच्छा है, थोड़ा बात मुलाकात कर लेंगे, बैठ मुलाकात, फिर आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे आप लोग बैठिए, हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि एक भैया थोड़ा कम चल रहे हैं इसलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया हम लोगों ने, बोला भैया जो आप धीरे धीरे बढ़िए, हम लोग वहाँ पर जाके फिर जो है आप लोगों से मिल जाएंगे। अब धनंजय जो है नींबू पानी बना रहा है, हम लोग घर से नींबू लेके चले हुए हैं लेकिन चीनी नहीं लाया, चीनी नहीं खाता है इसलिए नहीं लाया नींबू पानी, चीनी अच्छा। तो यहाँ पर रुक के हम लोगों ने नींबू पानी पिया और फिर थोड़ा देर रेस्ट किया, उसके बाद लालू और धनंजय को हमने बोला चलो तुम लोग पहले निकलो क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हो, उसके बाद हम निकलेंगे। तो उन लोग का निकला हुआ लगभग 15 मिनट हो चुका है, उसके बाद अभी हम निकल रहे हैं, हम धीरे धीरे जो है उन लोगों से आगे बढ़ जाएंगे, उन लोगों को टेकअप करके आगे निकल जाएंगे, फिर आगे जाके कहीं पर बैठेंगे, वो लोग आएगा उसके बाद फिर चाय वगैरह पियेंगे फिर आगे चलेंगे। तो ऐसे ही करके पूरे सफर को पूरा करना है, उसके बाद बाबा का दर्शन करना है क्योंकि बाबा तो बहुत ही ऊपर में विराजमान करते हैं। तो बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, आप लोग को भी देखकर जो है आश्चर्य लग रहा होगा, जो आए हैं उनको तो पता है यहाँ से देखने में कितना अच्छा लगता है, आंखों देखा तो बहुत ही सुंदर है। चलिए फिलहाल जो भी है बढ़ते हैं ऊपर चोटी की तरफ। जिस तरकीब से यहाँ पर चल रहे हैं बस इसी तरकीब से हम लोग सावन मेले में भी चलते हैं, जो अधिक चलता है वो आगे जाके रुक जाता है, जो कम चलता है फिर धीरे धीरे आता है बैठते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी होता है शरबत वगैरह जो भी होता है खाने का वहाँ दही फल कुछ भी खाते हैं पीते हैं, उसके बाद फिर जो सबसे कम चलता है उसको आगे भेजते हैं, उसके बाद जो कम चलता है उसको इस प्रकार से भेजते हैं और जो ज़्यादा चलता है वो पीछे निकलता है, ऐसे ही करके हम लोग चलते रहते हैं रास्ते में। बस वही टेक्निक का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ताकि जो है दिक्कत ना हो
एक साथ सब कोई पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं बाबा मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए बाबा केदारनाथ का। तो यहाँ पर साफ सफाई का भी काम चलता हुआ रास्ते में। सबसे अच्छा नजारा हमको ये लगता है पहाड़ का। तो ब्लॉग शूट करते हुए चल रहे थे तो ये भाई आया, बोले मुझे भी ले लो ब्लॉग में। कहाँ से हो भाई? दिल्ली। दिल्ली से हो? क्या नाम हुआ? धैर्य। तो देखिए धैर्य भी कितना जो है धैर्य के साथ चल रहा है बाबा का दर्शन करने के लिए। क्या भाई? चलिए एक बार प्रेम से बोलो बाबा केदारनाथ की। चलिए बाबा। तो बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं। चलिए उसने बोला मुझे भी ब्लॉग में ले लो, तो थोड़ा सा उसे भी ले लिया धैर्य को। और धैर्य के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे बाबा का दर्शन करने के लिए। तो रास्ता अभी देखिए ऐसे घूमते हुए इस तरफ जा रही है, तो पूरा एक राउंड यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा ऐसे करके एकदम घूमते हुए इस तरफ। देखिए कहाँ है हमारे बाबा केदारनाथ। तो चलिए घूमते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब जहाँ पर धनंजय लोग मिलेगा वहीं से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बैटरी भी सेव करना पड़ेगा। अब भी यहाँ से 12 किलोमीटर का जो है रास्ता हम लोगों को तय करना है। तो चढ़ते चढ़ते पसीना पसीना हो गए, और आगे की तरफ जो वो इस प्रकार से टूली में लेके जाते हैं ना, तो वो दो भैया जी हैं, तो उनसे चलिए रुक के बात करते हैं और पूछते हैं कितना रुपया वो लोग लेते हैं और किस प्रकार से लेके जाते हैं, कैसे उठाते हैं, ये सारा चीज़ जो है आपको दिखाएंगे। तो चलिए रुकते हैं वहाँ पर और भैया जी से बात करते हैं, देखते हैं कैसे जो है ये लेके जाते हैं वो लोग ट्रॉली में, और लेके भी आते हैं बाबा का दर्शन कराते हैं, कितना चार्ज लेते हैं, ये सारा कुछ जानकारी हम लेंगे। तो चलिए आगे रुकते हैं और उनसे पूछते हैं। तो कितना करके लेते हैं भैया आप लोग, कैसे लेते हैं ट्रॉली में ले जाने का? सर देखिए फिर भी एक होता ना, मतलब 12,000-10,000। अच्छा, मेहनत भी बहुत है भैया। नहीं नहीं सही सही बात है, चलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं सर सही बात। आपका नाम भैया? चलिए नेपाल जी, देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर भक्त आ रहे हैं उनको बाबा के धाम ले जाना और वहाँ से ले आना। चलिए बाबा आपका जो मनोकामना पूर्ण करेगा। हर हर महादेव। चलिए चलिए बाबा। हाँ हाँ, तो नेपाल भैया जी देखिए लेके जाएंगे किस प्रकार से, ये लेके जाएंगे वो आपको दिखाते हैं। हाँ चलिए, कैसे उठाते हैं ये? अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये नेपाल भैया जी देखिए किस प्रकार से उठा के लेके जाएंगे ट्रॉली। अच्छा, मोदी सरकार को देखा ना, नेपाल सरकार को देखा ना। जरूर जरूर सर, सबको देखा। आप यहीं से हो? नेपाल से। आप नेपाल से हो ना? नेपाल से। अच्छा, कहीं इधर उधर नौकरी हम करेंगे तो जिला ना दिल्ली बम्बई, आप कहाँ से आए? हम लोग झारखंड बाबा धाम है ना, वहीं से वहीं से। हाँ ऐसे करना सर, ठीक है। हाँ चलिए बाबा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारी बहुत है, काजू बहुत। नहीं 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 चलिए ठीक है, आंटी को भी बाबा का दर्शन करा दिया। देखिए कितना कष्ट करके जो है लेके जाते हैं, और इसी प्रकार से एक और ट्रॉली रहता है जिसमें चार दिन मिलके लेके जाते हैं, वो भी आगे आपको मिलेगा तो वो दिखाएंगे। तो ये फिलहाल देखिए कैसे लेके जा रहे हैं सभी कोई। तो इनमें एक जो आगे वाले थे वो नेपाल भैया जी थे, ये भैया लोग राजस्थान से आए हुए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। चलिए आगे बढ़। तो आपने देखा अभी दो जन जो है वो टूली में लेके जा रहे थे, और एक अभी और लेके जा रहे हैं। तो उन लोगों से मैंने पूछा तो उनमें से जो एक नेपाल भैया जी थे उन्होंने बताया बहुत कष्ट करना पड़ता है, तो वो 12,000 रुपया बताया चार्ज हम लोग लेते हैं टूली में ले जाने का। तो कष्ट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत करने के बाद वैसे लेके जाते हैं। किस प्रकार से उठाया, कैसे लेके गए, ये मैंने आपको दिखाया। तो उनका अगर मेहनत आप लोगों को अच्छा लगा हो तो नेपाल भैया के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ये आपको हमने उनका मेहनत दिखाया, और नेपाल से आके यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ये मैंने आपको दिखाया,
और चढ़ते चढ़ते मेरा भी सांस फूल रहा है, तो हम रुकेंगे, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे इस यात्रा के आगे के ब्लॉग में। तो प्रेम से बोलिए एक बार बाबा केदारनाथ की जय हो। सबसे अच्छा नज़ारा हमको ये लगता है पहाड़ का।